हाय एवरीवन, वेलकम टू ज्योति'स एक्सप्लोरिंग डायरी। आज मैं आपको होममेड स्क्रब बनाकर दिखाऊंगी जो हनी और शुगर से बना हुआ है और बहुत इजी मेथड है और बहुत ही इफेक्टिव है। ये तो सब जानते हैं कि स्क्रब हमारे डैमेज और डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने में हेल्प करता है और इसको जो हमारी स्किन पे जो डार्क पैचेस और स्कार्स हो जाते हैं इसको भी लाइट करने में ये हेल्प करता है। स्क्रब करने से हमारा स्किन बेटर तरीके से मॉइस्चराइजर एब्जॉर्ब करता है। तो चलिए आज मैं आपको हनी और शुगर से बना हुआ स्क्रब बनाकर दिखाती हूँ। अब स्क्रब बनाने के लिए हम एक बोल में 2 चम्मच शुगर लेंगे, उसमें 4 चम्मच हनी मिलाएंगे। आप कोई भी ब्रांड की हनी यूज कर सकते हैं। अब उसमें हम 1 चम्मच कोकोनट ऑयल मिलाएंगे और 1 चम्मच लेमन जूस मिलाकर उसको 1 मिनट तक अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने यहाँ पर ज़्यादा स्क्रब बनाया है ताकि मैं दोबारा से यूज़ कर सकूँ, तो उसे एक कंटेनर में रखकर मैं फ्रिज में रख दूँगी। अब हम पूरे फेस पे स्क्रब लगाएंगे और 2-3 मिनट तक मसाज करेंगे। मसाज हमें जेंटली करना है, ज्यादा प्रेशर देने से हमारी स्किन डैमेज हो सकती है। मसाज करने के बाद आप इस स्क्रब को 10 से 15 मिनट तक लगाकर रखिए। मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, मेरा स्किन काफी लाइट और ग्लो करने लगा है और मेरे स्किन पे जितने भी डार्क पैचेस थे वो काफी हद तक कम हो गए हैं। आप इस स्क्रब को वीक में मिनिमम 2 टाइम्स कर सकते हैं। अगर आपको ये होममेड स्क्रब पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू।